ठीक है। तो यहां पे अनबॉक्सिंग हो गई, ठीक है। बाकी आप डबल को डबल क्लास का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने इंट के अंदर इंटीजर इंटीजर आई इज इक्वल्स न्यू इंटीजर करके इंटर डेटा टाइप को इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था, वो अलग तरीका है। और बताइए, चले आगे, कुछ नहीं पूछना है यहाँ पे, समझ में आ गया? सर एक बार वो बता दें, एक बार क्या इंटीजर टू प्रिमिटिव मतलब इसका उल्टा बॉक्सिंग बता दें। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में कुछ नहीं है। बॉक्सिंग में अभी आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर सपोज करो आपने लिखा डबल इज इक्वल्स टू डबल टाइप का डेटा टाइप कोई ले लिया आपने, ठीक है, ये डबल टाइप का डेटा है, ठीक है, और फिर आपने लिख दिया डबल डी इज इक्वल्स टू न्यू डबल, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसके कंसेंटर में पास कर दिया क्या आई, तो ये हो गया आपका बॉक्सिंग, ये हो गया बॉक्सिंग। भाई डबल टाइप की वेरिएबल प्रिमिटिव वैल्यू को डबल क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, बॉक्सिंग हो गई। और जावा के 1.5 में ऐसी फैसिलिटी दी गई। अब यहाँ पे डी को प्रिंट करोगे, डी को प्रिंट करोगे तो आपको क्या प्रिंट करके दिखाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर इसको सॉरी कॉपी कर लें, यहाँ पे अगर प्रिंट करें आई को तो क्या प्रिंट करके दिखाएगा, 10.5। इसको ऊपर वाला हटा देते हैं, यहाँ पे 10.5, यहाँ पे भी 10.5, दोनों जगह 10.5 आएगा। ये लीजिए कंपाइल, और ये लीजिए कमांड लाइन आर्गुमेंट देने की जरूरत है नहीं, होते वैसे दे भी दोगे कोई दिक्कत नहीं करेगा ये, क्योंकि आपने लॉजिक तो लिखा नहीं है, सारी वैल्यू एरे में जाके स्टोर हो जाएगी इसी एरे में ए में, ठीक है, बस उसका कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 10.5, ये हो गया बॉक्सिंग। जावा 5 में क्या फैसिलिटी दी गई कि आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट आई को डी में डाल दो ऐसे, हाँ, यानी कि किसी प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट होल्ड कर दो, इसे बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ऑटोमेटिकली प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है नहीं कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना है। हाँ, जेडीके 1.5 से में नहीं, जो रूल आते हैं ना वो आते हैं वहां से, कि वहां से अब हायर वर्जन में ये रूल चल गया, किसी वर्जन स्पेसिफिक रूल नहीं होता कि इसी में ये चलेगा। जेडीके 1.5 से अब आप किसी प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट बदलने की जरूरत नहीं है, बॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। बॉक्सिंग मतलब प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, अनबॉक्सिंग मतलब ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव। अब अनबॉक्सिंग कैसे होगा, अब ये जो डी नाम का रेफरेंस वेरिएबल है, इस डी पे एक मेथड होता है पार्स डबल, ये डबल क्लास में बना हुआ है, उससे फिर से इंटीजर आ जाएगा, सॉरी डबल आ जाएगा, ये पार्स डबल नहीं, पार्स डबल वैल्यू डबल। अब मेथड लिखने का स्टैंडर्ड होता है कि मेथड, मुझे पता है कि मेथड ऐसे लिखे जाते हैं, पहला वर्ड स्मॉल लेटर में डबल वैल्यू वी ए एल यू ई, ठीक है, अब इससे मिल जाएगा आपको पर, जैसे इंट वैल्यू मेथड बताया था डबल डी बी, ठीक है डी डी। अब एक काम करो, यहाँ पे भी डी डी को प्रिंट कर लो, ये हुआ बॉक्सिंग, ये क्या हुआ बॉक्सिंग, ये हुई क्या अनबॉक्स, ठीक है, ये प्रिमिटिव ये ऑब्जेक्ट में बदल गया, ये ऑब्जेक्ट से फिर से निकाल लिया प्रिमिटिव, ये ऑब्जेक्ट था ना उस, ये मेथड ने उसको फिर से प्रिमिटिव में ला दिया, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एरर आने लगा क्योंकि डी ओ यू बी एल ई लिखना पड़ेगा, ठीक है, देखो तीन बार आ गया कि नहीं आ गया, तीन बार प्रिंट क्यों हुआ, एक बार ये प्रिंट हुआ, एक बार ये प्रिंट हुआ, कहाँ गया ये, और एक बार ये मेथड्स है, बने बनाया मेथड है ये जावा में, डबल क्लास के अंदर जाके देखो, मैं दिखाऊं डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके देख लोगे, डबल वैल्यू इंट वैल्यू इंट के लिए इंट वैल्यू मेथड, ये इंटीजर, हाँ इंटीजर वैल्यू है ना, डबल वैल्यू
तो वहाँ इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू क्यों रहेगा, डबल वैल्यू होगा ना, फ्लोट वैल्यू मैथड्स हैं, जैसे पार्स इंट, पार्स डबल, पार्स बुलियन, सब एक तरह। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि अगर आपको एक पढ़ा दूं तो बाकी से सब पढ़ लोगे, वो चीज। और फिर से मैं बताता हूं, जावा जेडीके 1.5 से आपको ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये मेथड चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आई को डबल में होल्ड कर लो डायरेक्टली, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको ये मेथड चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डी गो डी डी में होल्ड कर लो, तो इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्स, तो इसको ऑटो अनबॉक्स, बिल्कुल। मतलब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप क्लियर हो गया। और तो बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे आप डबल लोगे वो डबल क्लास का ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, प्रिमिटिव लोगे प्रिमिटिव के ऑब्जेक्ट में, सॉरी इंट लोगे इंट के ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि अगर अगर हमारे पास ये टेस्ट क्लास है और टेस्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, अगर मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के टी को प्रिंट करता हूँ तो ये हमारी क्लास के रेफरेंस आईडी को प्रिंट करके दिखा देगा, आपको आर्गुमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, ये देखिए रेफरेंस आईडी आ रही है। तो अगर मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट न लेके अगर सिंपल अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो हमारी क्लास की रेफरेंस आईडी प्रिंट होती है। अगर हम डबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, से इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, डबल डी इज इक्वल्स टू न्यू डबल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई डबल वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक। और अगर मैं डी को प्रिंट करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी नहीं प्रिंट करता है, देखो नहीं प्रिंट करके दिखाएगा, अगर यहाँ पे ये नहीं प्रिंट करके दिखाएगा, देखो नहीं दिखा रहा है, जो वैल्यू इसमें अंदर है वही दिखा रहा है इसके कंसेप्ट में। ऐसे ही मैं स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूं, स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, यहां से इसे हटा के यहां लिख देता हूं स्ट्रिंग और यहां भेज देता हूं स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, यहां पे इसको प्रिंट कर देता हूं, तो यहां पे इस प्रिंट कर देता हूं, तो यहां पे भी नहीं प्रिंट करके दिखाएगा। ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का, बताइए क्या आंसर, बताइए कि अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इन जनरल तो उसकी रेफरेंस आईडी आती है, जैसे हमने अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन अगर हम डबल क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का, ऐसे जब हम बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगे जिनकी ऑब्जेक्ट बनाने पर रेफरेंस आईडी नहीं आ रही है, क्या आ रहा है उसके कंसीडर में जो वैल्यू लिखा हुआ है वो आ रहा है, जैसे स्ट्रिंग के कंसीडर में ये लिखा हुआ था तो ये आ गया है ना, डबल के कंसीडर में लिखा ये तो ये आ गया, डिफॉल्ट। अच्छा एक काम करते हैं, चलो आपका कंफ्यूजन और सॉल्व करते हैं, हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट के कंसेंटर में लिखा आई, ठीक है, और यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ प्रिंट कर दिया आई और यहाँ पे भेज दिया 10 34। अब देखो ये टेस्ट क्लास का हमने पैरामीटराइज कंसेंटर कॉल किया है, यहाँ पे 34 जाएगा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे टी प्रिंट कराऊंगा तो 34 प्रिंट होना चाहिए ना, आपका कंफ्यूजन और सॉल्व कर दिया ना मैंने, 34 आ रहा है नहीं आ रहा है, वो 34 तो ऊपर था इसलिए आ रहा है, आई को प्रिंट किया है, लेकिन टी को प्रिंट किया तो अभी भी क्या आ रही है रेफरेंस आई, तो मेरा कंसेप्ट क्वेश्चन अब तो और क्लियर हो गया होगा। आप सोच रहे थे कि यार डिफॉल्ट कंसेप्ट चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, आपका पैरामीटराइज कंसेंटर भी चला के दिखा दिया, 34 चला के दिखा दिया, अब हमने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो रेफरेंस आईडी आई, बाकी के ऑब्जेक्ट बनाए रेफरेंस आईडी नहीं आई, क्यों भाई क्या रीजन है? तो अगर आपको पता हो याद हो तो मैं आपको बताऊं कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी रेफरेंस आईडी को बनाने के लिए एक मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड,
बहुत बढ़िया समझाया था। टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मैजिक मेथड है। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट एक क्लास होती है, और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर 9 मेथड्स अवेलेबल हैं टोटल। जब ऑब्जेक्ट क्लास समझा रहा था उस टाइम भी बताया था, जावा पी, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट करके आप देख लीजिए। तो जो ऑब्जेक्ट नाम की क्लास थी, उस ऑब्जेक्ट क्लास में टोटल 9 मेथड्स हैं, है ना, जिनको मैजिक मेथड बोलते हैं। मैजिकली अवेलेबल होता है हर क्लास में, ये टू स्ट्रिंग मेथड है। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड है, यही रेफरेंस आईडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझा रहा है? किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के लिए यही मेथड चलता है, टू स्ट्रिंग मेथड चलता है उस रेफरेंस आईडी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग का ही सारा खेल है। अब एग्जांपल समझो क्या मैं कह रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बने और रेफरेंस आईडी ना प्रिंट हो, तो मैं लिख दूंगा पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और मेथड का नाम टू स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड। आप जो क्लास और ऑब्जेक्ट वाला जो सेशन है मेरा, फिर से देखिए, आप उसकी वीडियोस को देखिए, वहाँ पे आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप में मैंने लिख दिया RETURN, रिटर्न में लिख दिया सूर्या। होगा क्या, अब आपकी रेफरेंस आईडी में यहाँ पे आईडी आ रही थी ना, अब आईडी की जगह पे सूर्या आएगा। क्योंकि देखो, जब कभी क्लास का रेफरेंस आईडी बनती है ना, तो उसके पीछे टू स्ट्रिंग का ही सारा खेल चलता है। अब टू स्ट्रिंग मैंने ओवरराइड मार दिया, इसे बोलते हैं ओवरराइड मारना, क्योंकि मैंने फिर से लिख दिया अपने प्रोग्राम में। तो अब इंटरनली जो टू स्ट्रिंग चलती थी वो नहीं चल के हमारी चलेगी। और अगर यहाँ पे सूर्या के जगह पे अगर रिटर्न में मैं यहाँ पे करा देता हूँ आई, ठीक है, और इस यहाँ पे इंटीजर आई को बना देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई आई, समझिएगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई इक्वल्स टू आई आई, ठीक है। तो अब आप जरा देखिएगा एक, है ना, रिटर्न आई नगर के, चलो रिटर्न आई प्लस ये कर दिया, ठीक है, इसको कंपाइल कर दिया, रन कर दिया। अब आप जरा देखो, आपकी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी बनी, बन गई ना, यहाँ पे हमने प्रिंट किया, तो रेफरेंस आईडी आई क्या, क्या आया, जो हमारे कंसेप्टर में लिखा हुआ था। हुआ क्या, वो वैल्यू भेज दिया मैंने ऊपर, और ऊपर से भेज दिया यहाँ पे, और यहाँ उसको करा दिया रिटर्न टू स्ट्रिंग में, करा दिया ना। ये लॉजिक मैंने खुद लिखा कि नहीं लिखा, मैं चाहता था कि मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बने और रेफरेंस आईडी ना प्रिंट हो, तो मैंने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दिया, और क्या प्रिंट हो, जो कंसेप्टर में लिखूं वही प्रिंट हो जाए। तो कंसेप्टर में वो वैल्यूज ऊपर भेज के फिर उसको ग्लोबल बना दिया था, क्योंकि भाई लोकल होता तो यहाँ भी आई रिटर्न करा नहीं पाता, तो ऊपर भेज के और यहाँ रिटर्न करा दिया। ये जो काम मैं कर रहा हूँ, यही काम स्ट्रिंग क्लास ने कर रखा है इंटरनली, यही काम डबल क्लास ने इंटरनली कर रखा है। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसकी रेफरेंस आई डी ना प्रिंट हो गया है, तो समझ जाओ कि उसने भी टू स्ट्रिंग मैथड को अपने हिसाब से ओवरराइड मार के उसके अंदर लॉजिक चेंज किया हुआ है। समझे, हर क्लास में भाई देखो, टू स्ट्रिंग एक मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, और हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती भी है। तो कोई भी मेथड उस ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को ओवरराइड, कोई भी क्लास उस ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करके अपने हिसाब से लॉजिक, टू स्ट्रिंग मेथड कैन बी ओवरराइड। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने आपसे पूछा कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, रेफरेंस आईडी नहीं आ रही है, कुछ और आ रहा है, क्यों? तो उसका सिंपल सा आंसर है, सर उसने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड मार के अपने हिसाब से लॉजिक लिख रखा है। हम भी कर सकते हैं, और रेफरेंस आईडी का बनाने का सारा लॉजिक मैंने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे आपको बताया था, ठीक है। अब नहीं पढ़ोगे तो कौन जिम्मेदार है? मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, बताइए। तो ये सब हो गया आपका बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग रैपर क्लासेस, ठीक है, मेन मेथड का यूजेस। मेन मेथड के और भी यूजेस हैं, मेन मेथड से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मेन मेथड से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस हैं?
कि क्या मेन मेथड को JVM कॉल करता है तो क्या हम कॉल कर सकते हैं, मेन मेथड को हम कॉल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, मेन मेथड को मेन मेथड एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हर क्लास में मेन हो सकता है। तो ठीक है, इस ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना है, तो ये सारी चीज़ हम अपने नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट